अंतागढ़ में एक सप्ताह से मजदूर आंदोलन में डटे हुए हैं। मेटा बोदेली माइंस के प्रभावित ग्रामीणों को अब तक शासन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल पाया है। बताया जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सड़क, बेरोजगारों को रोजगार तथा विकास के झूठे वादों के सहारे माइंस की नींव की शुरू की गई है। माइंस कंपनी भोले भाले ग्रामीणों के साथ अभी भी छल कर रही है। मेटा बोदेली माइंस से लोह आवश्यक खनन और परिवहन का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक सप्ताह से ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रखा है, फिर भी माइंस प्रबंधन जबरन लोह आवश्यक खनन कर माल परिवहन करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी सूचना चार गांव मेटा बोदेली से प्रभावित ग्रामीणों को होने पर माइंस के खिलाफ बाहर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते माइंस प्रबंधन ने तहसीलदार और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भी सड़क पर डेरा डाल दिया और वहां मौजूद ग्रामीणों को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सभी अपनी मांगों को लेकर वहीं डटे रहे। ग्रामीणों की मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है और ना ही शासन प्रशासन का कोई आश्वासन मिला है। जी, लाल पानी का मुद्दा क्या है मैडम? लाल पानी खेतों में जाता है, जिससे खेत की उपजाऊ कम होती है, जिससे हमको परेशानी होता है। कंपनी को बोले आपने लाल पानी के लिए? लाल पानी के लिए नाली बना दो, ऐसा बोले। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोले कि बनाएंगे, हमको झूठी आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक नहीं बना है। कितने साल से लाल पानी के मुद्दे से झेल रहे हैं आप लोग? 3 साल 4 साल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।